अस्सलामुअलैकुम। वेलकम का वीडियो ट्रेनिंग कोर्स हमारा जारी है और आज ये इस वीडियो कोर्स की दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम वेलकम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। वो इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल है आम सॉफ्टवेयर की निस्बत, लेकिन हमने उसको मुकम्मल तौर पर सीखा था। और इस वक्त हमारे पास आप देख सकते हैं कि वेलकम जो है वो हमारे पास ओपन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा फिर से आपको याद करवाई देता हूँ कि अगर आप ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डेट को पीछे कर रखना पड़ेगा, ठीक है। मसलन इस वक्त जो मैंने जो डेट की सेटिंग की हुई है, हमारे पास यहाँ पर डेट शो होती है, ठीक है। तो मैंने जो डेट की सेटिंग की हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए पास 2 नवंबर 2015, ठीक है। तो आपने इसको 1 या 2 नवंबर 2015 पे रखना है। फिर जब आपके पास ये शो करवाए कि मतलब कि आपका जो फ्री वर्जन था ट्रायल वो ख़त्म हो चुका है, तो आप फिर से इसे दोबारा से डेट को पीछे ले आएंगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो चल जाएगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी जहन में रखनी है। जी, तो ये काम हमारा हो गया। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हमारे पास यहाँ पे जो स्टिच वैल्यूज़ आती हैं ये मिलीमीटर में होनी चाहिए, ठीक है, एमएम में। अगर आप जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये सेंटीमीटर में आएंगी। अगर आपके पास ये सीएम मतलब कि सेंटीमीटर में आए तो इन्हें मिलीमीटर में कैसे चेंज करना है, इसका तरीका कार ये है कि हम यहाँ स्टार्ट मेन्यू में आएंगे। स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद कंट्रोल पैनल में जाएंगे, उसके बाद हमने जाना है क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही है रीजन एंड लैंग्वेज में चेंज डिस्प्ले लैंग्वेज। चेंज डिस्प्ले लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास एक प्लगइन है, बटन है फॉर्मेट्स के नाम से। फॉर्मेट्स के बटन पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है एडिशनल सेटिंग्स का बटन। एडिशनल सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास ये यूएस सेलेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो मिजोरमेंट सिस्टम है, मिजोरमेंट सिस्टम आपके पास यूएस में होगा, तो आपने इसको मैट्रिक में कर देना, ठीक है। मैट्रिक के ऊपर क्लिक कर देना, ये देखें हमारे पास इस तरह से मैट्रिक में आ जाएगा। तो इसे मैट्रिक में सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है, और इसे क्लोज़ कर देंगे। और उसके बाद जब आप इस सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करके दोबारा से ओपन करेंगे तो आपके पास ये मिलीमीटर में आ जाएगा। और अगर फिर भी ना आए, बाज़ूकात हो जाता है, तो आप कंप्यूटर को एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लीजिएगा तो लाजमी आ जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ये स्टिच वैल्यूज़ आपने लाजमी एमएम मतलब कि मिलीमीटर में रखनी है। अगर ये सेंटीमीटर में हो तो आपने इन्हें चेंज करना है मिलीमीटर में, और वो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया।